घर में भूत प्रेत होने पर मिलते हैं ये संकेत। कहीं आपके आसपास कोई भूत प्रेत तो नहीं है जिसे आप देख नहीं सकते बस महसूस कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका संस्कारी मनुष्य में। यहाँ आपको हिंदू धर्म, कर्म और आस्था का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जमाने में हम आपसे कहे कि भूत प्रेत या शैतानी शक्तियां होते हैं तो आप हम पर हंसेंगे और बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। पर भले ही आप विश्वास न करें पर इस दुनिया में ये शक्तियां तो मौजूद है, कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक। यह दिखाई नहीं देती पर अपने होने का एहसास जरूर करवाती है। दुनिया में ऐसी कितनी ही घटनाएं हुई है जहां लोगों ने माना है कि उनको किसी शक्ति का एहसास हुआ है या फिर उन्होंने किसी साये को अपने पास महसूस किया है। शैतानी ताकत बहुत ही खतरनाक होती है। एक बार अगर किसी घर परिवार पर शैतानी ताकत की बुरी नजर लग जाती है तो ऐसे घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे लोगों की उन्नति रुक जाती है और उनके जीवन में छोटी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी समस्या आने लगती है। जब भी आपके घर परिवार पर किसी भूत प्रेत या शैतानी ताकत का शाया होता है तब आपको ये गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ दिए गए कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो हो जाइए सावधान। एक पालतू जानवर को होता है एहसास। कहते हैं भूत प्रेतों के होने का एहसास सबसे पहले जानवरों को होता है और खासकर कुत्ते या बिल्ली को। अगर आपके घर में भी कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली है और अगर अचानक आपके पालतू जानवर का व्यवहार अजीब सा हो गया है, वह कुछ अलग हरकतें करने लग जाए या फिर अचानक ही डरने लगे या बेवजह भौंकने लगे, तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये हरकतें घर में किसी भूत प्रेत के होने का संकेत हो सकते हैं। दो, स्वयं को होने लगे एहसास। अगर स्वयं आपको ही घर में किसी के होने का एहसास होने लगे, जैसे आप कमरे में अकेले बैठे हैं और आपको अंदर से ऐसा प्रतीत हो कि किसी ने अभी अभी कमरे में प्रवेश लिया है, या अचानक ऐसा लगने लगे कि कमरे में और भी कोई है, या आपको किसी के चलने की आवाज आए, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीन, टेम्परेचर का काम होना। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर भूत प्रेत आते हैं वहां का टेम्परेचर अचानक से कम या ज्यादा हो जाता है। अगर आपके घर का तापमान भी नॉर्मल हो और अचानक से कम या ज्यादा हो जाए, या आपको ज्यादा गर्मी या सर्दी लगने लगे जबकि मौसम की तरफ से ऐसे कोई भी संकेत ना हो, तो समझ लीजिए कि घर में कुछ गड़बड़ है। तीन, अजीब सा महसूस होने लगे। आपको आपके ही घर में घुसने से पहले अजीब सा लगने लगे हैं, या किसी कमरे में जाने में अजीब सा लगने लगे, या फिर आपके पैर थम से जाएं, तो ये संकेत है किसी बाहरी ऊर्जा के उस कमरे में होने के। समय है कि कोई पूजा पाठ का आयोजन घर में करवाया जाए। चार, बार बार रात को नींद खुलने लगे। देर रात अगर अचानक आपकी आंख खुलने लगे और ऐसा प्रतीत हो कि कमरे में कोई आया था या आया है, या घर में कुछ हल्की हल्की किसी तरह की आवाजें सुनाई दे और ऐसा अक्सर होता हो, तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर इसको आप वहम समझ रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें, असल में हो सकता है कि घर में भूत प्रेत मौजूद हो। पांच, परिवार में होने लगे झगड़े। नकारात्मक शक्तियों का मकसद आपको नुकसान पहुंचाने का होता है। अगर आपके घर में सब कुछ सही चल रहा है और अचानक झगड़े होने लग जाए, या परिवार के लोग परेशान होने लग जाएं, या घर में अशांति का माहौल होने लग जाए, तो यह भी नेगेटिव ऊर्जा के मौजूद होने के संकेत होते हैं। छह, अचानक घर में खुशबू। नकारात्मक शक्तियां अपने साथ खुशबू लाती है। अगर आपके आसपास सब कुछ नॉर्मल है और अचानक आपके आसपास की हवा में खुशबू फैल जाए, या आपको अचानक आपके आसपास अजीब सी खुशबू आने लगे, तो यह संकेत किसी नेगेटिव शक्ति के मौजूद होने के होते हैं।
घर में भूत प्रेत आने के पीछे काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे पुराने शास्त्रों और ज्योतिष में भूत प्रेत से बचने के कुछ कारगर उपाय बताए गए हैं। यहाँ हमने भूत प्रेत ताकत से बचने के कुछ कारगर और अचूक उपाय नीचे बताए हैं। भूत प्रेत से बचने के तीन सबसे दमदार उपाय। उपाय नंबर एक, अगर आप भूत प्रेत से बचना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उपाय नंबर दो, शैतानी ताकत से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा अर्चना करके उनको तेल अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनि देवता की पूजा अर्चना करने से शैतानी ताकत से बचा जा सकता है। इसके अलावा आपको आपकी पहनी हुई चप्पल की जोड़ी किसी जरूरतमंद और गरीब को दान करनी चाहिए। उपाय नंबर तीन, शैतानी ताकत से बचने के लिए नमक का उपाय करें। आपको आपके घर के किसी भी कोने में एक गिलास पानी भरकर उसमें नमक डालकर रख दीजिए। अब इसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दीजिए। इस पानी को सप्ताह में एक बार बदल लीजिए। यह उपाय करने से आपके घर में भूत प्रेत का साया नहीं आता है और आप शैतानी ताकत से बचे रहते हैं। ये सभी तथ्य मान्यताओं पर आधारित है, जो लोग इनमें विश्वास करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन समय समय पर घर में पूजा पाठ करवाते रहना चाहिए। इस प्रकार आपको शैतानी ताकत से भी छुटकारा मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ दी गई जानकारी से अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।